लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाली चार बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र एटीएस ने कुल चार बांग्लादेशियों को गुजरात से अरेस्ट किया है। ये सभी आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पकड़े गए इन चारों आरोपियों की पहचान अंधेरी में रहने वाला 33 वर्षीय रियाज शेख, 54 वर्षीय मलाड का रहने वाला सुल्तान शेख, थाने का इब्राहिम शेख और जोगेश्वरी का फारूक शेख के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन बेल से छूटने के बाद मुंबई में गैर कानूनी तरीके से ये रह रहे थे। फिलहाल इन बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने सेक्शन 465, 462, 434 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि ये सभी बांग्लादेशी फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत में घुसकर मुंबई शहर में 2008 से रह रहे थे और इन चारों आरोपियों में से एक आरोपी गुजरात में रहकर फेक डॉक्यूमेंट बनाया करता था। फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस ने इन चारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए इनको गिरफ्तार किया है, लेकिन पांचवा आरोपी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र एटीएस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोकसभा चुनाव में मतदान किया था।